यहाँ देख न्यूट्रल यहाँ है, यहाँ पे पहले जो चाबी किधर है ये लगेगी, ये देख विशाल पीछे बैठा है, कूदने में आसानी रहेगी तेरे को। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये कोई व्लॉग नहीं है, ये बस एक बाइक राइड वाला वीडियो है। तो बाइक ये रही और अभी हस्बैंड इसको घुमा रहे हैं, हम उसी कॉलोनी में जा रहे हैं जहाँ पे हमेशा से मैं आपको बाइक राइड करके बताती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो फैमिली, आज मैं बाइक चलाने वाली हूँ, ये वाली एवेंजर जो आप देख रहे हो, और ये है मेरे हस्बैंड के दोस्त की बाइक है ना। तो बस आप भी इसी को चला के दिखाने वाली हूँ मैं। चला और क्या, इसको कैसे चलाते हैं? चला तो देख चला? क्या है उसमें? सबसे पहली बात तो कि इसमें किक तो है नहीं। क्यों? हाँ किक, क्या हाँ किक नहीं है, छुपा हुआ है क्या भाई? किक नहीं है, सेल्फ से स्टार्ट करनी पड़ेगी और इसके पांचों गियर आगे लगते हैं, है ना? आगे लगते, एक लगता है, मतलब एक नीचे लगता है बाकी चार ऊपर। हाँ ऐसा मेरे कहने का मतलब वही था विशाल, देखो इसमें एक गियर नीचे की तरफ लगेगा वो भी आगे, और बाकी चारों पीछे लगेंगे। बाकी तो बस कुछ अलग नहीं है, सेम सेम ही है, गाड़ी का मॉडल थोड़ा अलग है। इसमें पांव नीचे आराम से टिक जाएंगे। आगे है निकला हुआ, यहाँ देख न्यूट्रल यहाँ है, यहाँ पे पहले जो चाबी किधर है लगेगी, ये देख हाँ चाबी ये आगे चालू हो जाएगी, आगे की तरफ घुमा हाँ ये चालू हो गई। अब न्यूट्रल देख हो रहा कि नहीं, तो आगे के गियर डाल के न्यूट्रल कर, आगे नीचे दबा और हो गई नीचे, हो गई। अब एक बार आगे लगेगा है ना, चल स्टार्ट कर, और बाकी सब पीछे लगेंगे। बैठू क्या साथ में? तो ब्रेक कम है ना, इसका ध्यान रखना, धीरे चलाना गाड़ी ये वाली। ले लिया टर्न के बंद हो गई, क्या हुआ? अच्छी है, बस गियर थोड़ा धीरे लग रहा है और हल्की सी भारी है, और बस इसमें जो फर्स्ट टाइम इसको चलाता है ना तो मतलब आदत होती है हर नॉर्मल गाड़ी में यहाँ पे पाँव रखने की। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने ध्यान रखा, नहीं तो क्या हो सकता था कि मैं गुड़ करती हुई। और अभी मैं न्यूट्रल में, ये वैसे मैं फर्स्ट टाइम चला रही हूँ। एक बार पहले मैंने पांच गियर वाली गाड़ी चलाई थी, पर वो एक ही बार चलाई थी और थोड़ी देर चली थी। न्यू तो बस ये है कि ये गाड़ी मैं फर्स्ट टाइम चला रही हूँ और मुझे इसको चलाना भी था, और ये अभी तक मैंने न्यूट्रल नहीं हो रही है। इधर आके जरा बताओ मुझे कि इसको कैसे न्यूट्रल करना है। आगे लगा, आगे चाबी चालू कर, कर। हाँ ये हो गई, न्यूट्रल ही है। बैठे हो आप? बैठो, बैठो। लगा क्या है? चलो ठीक है, परी हट जा। हैंडल बहुत भारी है, मतलब टर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा स्पीड में चला सकती है?
चला सकती हूँ, लेकिन अगर कहीं लंबा रूट हो तो ऐसे यू यू राउंड पे तो गिरने जैसा हुई थी ना। वाँ वाँ। गाड़ी ऐसी है, मेरी गलती मत निकालो। गलती तेरी नहीं बता रहा, गाड़ी ये नहीं है तेरे लिए। नहीं तो है, बट इसको लंबे रूट पे चलाओ तो ये सही है गाड़ी, पर ऐसे कहीं छोटे मोटी जगह पे चलाओ तो उतने नहीं है। तो अभी परी, मैं, पतिदेव और विशाल भैया हम चारों बैठ के और एक राउंड या दो राउंड लगाएंगे। चलो आ जाओ विशाल भैया। सो गाइस, बाइक नॉट स्टार्ट, मेरे पास से मुझे चेक करना पड़ेगा, तो मैं चेक करता हूँ उसके बाद। A few moments later. ये साल पीछे बैठा है, कूदने में आसानी रहेगी तेरे को। यस। मेरे पे इतना भी भरोसा नहीं है। भरोसा खूब है, टेंशन नहीं लेना। अच्छा लगा चार सवारी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मेरे को भी बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा लगा है। चल एक राउंड और कर, एक राउंड और। दोनों अकेले बड़ा वाला राउंड काट के आएंगे। हाँ चलो चलो स्टार्ट गाड़ी। इसको पूछो पायल के साथ डर लगता है गाड़ी से? तरी डर लगा ना? हाँ बोल। हाँ हा? गाड़ी डर लगता पायल के साथ? हाँ क्यों? हाँ सही में मजाक से डर लगता है। मजाक वाला डर लगता है? मजाक वाला चलो जाओ भाई, एक राउंड और काट के आओ। तो गाइस देख सकते हैं आप कि हमारी गाड़ी का क्या हाल हुआ है। स्टार्ट नहीं हो रही थी और फिर पतिदेव को दिखाइए यहाँ पे कि पाइप निकल गया। A few moments later. कैसा लगा डर के पति देव? बताओ ना। अबे कभी मजाक नहीं करना चाहिए, ऐसी लग जाए। और मैंने गाड़ी न्यूट्रल कर ली थी बहुत देर पहले और इनको मैं बोल रही थी कि न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, और इन्होंने सही बात मान भी ली। मैं आके देखू। तो गाइस आज का मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, देख लो, और बहुत ही प्यारी सी हवा चल रही है और ये दोनों जीजा साली मस्ती कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आज की बाइक राइड कैसी लगी, प्लीज कमेंट करना और मेरे साथ हमेशा बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।